हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 दुसड़का और बड़ू में करीब 5 सालों से सीवरेज समस्या से लोग जूझ रहे हैं। समस्या के चलते ही लोगों का प्रतिनिधि मंडल आईपीएच विभाग के एससी से मिला और समस्या को हल करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर एससी के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने चेताया है कि अगर समस्या का जल्द हल नहीं किया जाता है तो आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह से भी इसकी शिकायत की जाएगी। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 11 में पिछले कई सालों से सीवरेज समस्या बनी हुई है, जिस कारण कई घरों को आज दिन तक सीवरेज के कनेक्शन भी नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विभाग के चक्कर काटने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने बताया कि पिछले 5-6 सालों से सीवरेज की समस्या बनी हुई है और कई सालों से विभागीय चक्कर काटने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार ठेकेदार काम छोड़कर भाग रहा है तो कई बार विभाग लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते बाढ़ के बाशिंदों को दिक्कतें पेश हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी समस्या का हल नहीं होता है तो आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के पास जाकर इसकी शिकायत की जाएगी। सावन के महीने में हर साल की भांति इस बार भी शिव मंदिर परिसर हमीरपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विशेष तौर पर खीर बनाई गई, जिसे खाकर लोगों ने वाहवाही की। भंडारे का आयोजन शिवालय लंगर कमेटी के सहयोग से किया गया और भंडारा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तक चला। शिवालय लंगर कमेटी एवं जल कल्याण कमेटी हमीरपुर के मुख्य सलाहकार सोमनाथ शर्मा ने बताया कि हर साल सावन के महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस बार भी भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि भंडारे के दौरान स्पेशल खीर भी बनाई गई थी। प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का सम्मेलन नदौन के गगाल में गत दिवस सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से यूनियन के साथ बोर्ड प्रबंधन की नियमित बैठक न हो पाने से कर्मचारियों की समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय का दबाव है कि सिर्फ भारतीय मजदूर संघ के संबंधित संगठन से ही वार्ता करनी है। ऐसे निर्देशों से बिजली बोर्ड को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, तानाशाही का राज कायम किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिजली बोर्ड के अंदर हस्तक्षेप कर लोकतंत्र को बहाल करवाने की मांग की। खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे कई मामले बोर्ड प्रबंधन के ध्यान में भी लाए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काजा में -35 डिग्री तापमान में अपनी जान जोखिम में डालकर कर्मचारी सेवा देने में लगे हुए हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को ईंधन के लिए लकड़ी और मिट्टी का तेल तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा, पवन मोहिल, उपाध्यक्ष सुनीता कुमारी और जगमेल सिंह ठाकुर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की नदौन इकाई के चुनाव हुए, जिसमें नीतीश भारद्वाज को इकाई अध्यक्ष चुना गया, जबकि आशीष शर्मा को वरिष्ठ उप प्रधान, प्यारचंद, अनिल कुमार, विनोद कुमार, केहर सिंह, अंकुश शर्मा, हंसराज, संजय कुमार, ज्योति प्रकाश, पवना देवी को उप प्रधान नियुक्त किया गया। पंकज परमार को सचिव, अजनीश कांत, विपिन सिंह, विजय कुमार, रणवीर सिंह को संयुक्त सचिव का कार्यभार सौंपा गया। सोलन के ओजकाट में LR कॉलेज के समीप एक ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक महिला आ गई और ट्रक के नीचे कुचलने से महिला की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि जब महिला वहां से गुजर रही थी तो महिला के साथ 4 वर्षीय पोती भी थी, लेकिन भाग्यवश वे ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। पुलिस को घटना की जैसे ही जानकारी मिली वे मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गांववासियों ने इस दुर्घटना का जिम्मेवार सड़क की खराब हालत को बताया है। उन्होंने बताया कि जहां ये घटना हुई है वहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस जगह पर सड़क बेहद तंग है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रक घटना स्थल पर पहुंचा उसका चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक पलट गया। गाँव की महिला उसकी चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके।